नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी दिया है। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3, ये समांतर श्रेणी दिया है। इसका दसवां पद ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी 9, 5, 1 और -3, ये दिया गया समांतर श्रेणी है दोस्तों। अब इसमें प्रथम पद देखिए 9 है, प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया है, ये 9 है। अब इसमें दोस्तों सर्वांतर निकाला जाता है। सर्वांतर d कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं। तो इसमें दूसरा पद है क्या, 5। इस दूसरे पद में प्रथम पद को घटाएंगे, 9 को घटाया जाएगा, तो सर्वांतर हमें यहाँ से मिल जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें प्रथम पद a का मान 9 मिल गया है और सर्वांतर हमें मिल गया है -4। तो हमें अब दसवां पद ज्ञात करना है। देखिए, एक फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला होता है tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है दोस्तों। अब जैसे कि हमें दसवां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। टी 10 इक्वल टू ए का मान क्या दिया है, ए का मान 9 है, यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 प्लस एन का मान 10 है, दसवां पद है, -1 इंटू डी का मान निकाले हैं -4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 10 में 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, गुणा -4। अब उसके पश्चात क्या होगा दोस्तों, देखिए 9 और -4 का गुणा होगा तो -36 आ जाएगा, इक्वल टू 9 में 36 घटेगा तो -27 आ जाएगा। अर्थात हमें देखिए दसवां पद क्या मिल गया, यही उत्तर है दोस्तों। अतः दसवां पद -27 होगा। धन्यवाद।